एक कमेटी बनाई जाए विधानसभा की, क्योंकि सर्वसम्मति से पास हुआ था जिसमें हर पार्टी के सदस्य हों और प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा जाए, और मिलने का समय मांग करके प्रधानमंत्री को इस विषय के बारे में बताया जाए कि हम लोगों ने विधानसभा से सर्वसम्मति, जिसमें प्रधानमंत्री जी आपकी भी पार्टी शामिल थी, इस चीज को जातीय जनगणना वाले मामले में आप जो है अनुमति दें और जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराएं। ये पहला प्रस्ताव होगा। अगर दूसरे प्रस्ताव की नौबत आई तो हमने पहले भी बोला कि अगर मुख्यमंत्री इस पे राजी नहीं होंगे और कई बार बयानों में कहते हैं कि होना चाहिए, तो खाली कहने से नहीं ना होता है, उनको तो करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो अगर नहीं पहला प्रस्ताव मंजूर होता है तो दूसरा प्रस्ताव है कि राज्य सरकार, जैसे कि कर्नाटका सरकार ने अपने खर्चे पर जाति जनगणना कराई, उसी प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री अगर चाहते हैं, क्योंकि तो हम लोगों की मांग रही है, हम लोगों ने तो बिहार बंद कर रखा है, लालू जी खुद स्वयं रोड पे सड़कों पे उतरे थे, उसके बाद जो है विधानसभा से पारित हुआ वो अलग विषय है, लेकिन अगर कराना चाहते तो खुद खर्चे पे राज्य सरकार कराए। और हमारा जो प्रतिपक्ष का, जो विपक्ष का, या एज अ मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारी जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, आखिर किस मुंह से हम किस जनता को दिखाएंगे कि भाई हम लोगों ने सब सर्वसम्मति से पास कराया और ये काम नहीं हो पाया। महत्व क्या रह जाएगा इस विधानसभा का कि बार बार प्रस्ताव सर्वसम्मति से भी भेजा जा रहा, फिर भी जो है वही सरकार जो है जो बिहार में है, वही केंद्र में, वो सुन नहीं दिए। बीजेपी के लोगों से पूछिए तो जरा वो लोग शामिल थे। इसलिए हम लोग जो है कल 1 बजे हमारी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री जी से होगी, लेकिन नीट के मामले में बोलेंगे कि 4 साल तक आप लोगों ने इतने पदों को, 14,000 पदों को खाने का काम किया, लड़ना पड़ा। ऐसे ही SC ST कानून था, जब लोग सड़कों पे आए, भारत बंद किया, तब जाकर के फैसला वापस लिया गया। आखिर ये नौबत क्यों आती है? और प्रधानमंत्री जी को ये भी स्पष्ट करना चाहिए, जितने भी मंत्री और MP हैं भाजपा के, OBC के, सब कठपुतली हैं, सब की सब कठपुतली हैं, बिना कोई काम के खाली फिजुल्ला आदमी सब लोग बैठा हुआ है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप सही में हितैषी हैं OBC के, तो जितने फैकल्टियों का जो बैकलॉग है उसको आप पूरा कीजिए, और असली ऐतिहासिक कदम तब होगा। हम सभी OBC नेताओं से, पिछड़े अति पिछड़े सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं कि भाई असली जीत आपकी तब होगी जहाँ कुत्ता बिल्ली का गिनती होता है, हर धर्म का गिनती होता है, SC ST का गिनती होता है, लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा और अन्य जातियों का क्यों नहीं होता भाई? तो असली काम अगर आप कठपुतली नहीं है कि खाली फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ खिंचाइएगा, असली काम है जाति जनगणना। जब पता चलेगा आप कितने हैं, उसी हिसाब से ना बजट में प्रावधान होगा और आपके लिए योजना बनेगी, तब विकास का काम होगा। जो लोग तो इसके लिए तो भारी लंबा संघर्ष चला है भाई, हम तो बोले कोनो कृपा थोड़ी, नहीं तो हमारा अधिकार ही तो बनता है। ये केंद्र सरकार तो अपने ही लोगों से PIL करवा करके मामले लटकवाने का काम करती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तो हमारा अधिकार ही तो मिलना ही चाहिए था। लेकिन अपने अधिकार के लिए भी जो खुद को पिछड़े के बेटा कहते हैं कथा कथित, 4 साल लग गया और अभी भी फैकल्टी वाले मामले में बैकलॉग में कुछ नहीं हुआ, अभी भी जातीय जनगणना नहीं हुआ। पार्लियामेंट गए थे सेकंड डोज था उनका, सेकंड डोज लेने के लिए वो गए हुए थे, परिसर गए होंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों ने देखा होगा, और जाहिर सी बात है हम लोग तो चाहते ही हैं कि भाई जल्द से जल्द ठीक हो, लेकिन ये तो अच्छे लक्षण दिख रहे हैं कि भाई जब वो पार्लियामेंट जा रहे हैं तो अब खुशखबरी हो सकता है बिहार के लोगों के लिए कि जल्द से जल्द बिहार भी आएंगे। हालांकि डॉक्टर अपनी राय देंगे, जो डॉक्टर कहेंगे वही होगा, हालांकि
ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द वो रिकवर कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है करोड़ों लोगों की दुआ होगी, लोग उनको याद करेंगे तो ज़रूर ठीक जल्द से जल्द होकर के लोगों के बीच आए। नहीं देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं पार्लियामेंट गए थे, सेकेंड डोज था उनका, सेकेंड डोज लेने के लिए वो गए हुए थे, परिसर गए होंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों ने देखा होगा। और जाहिर सी बात है हम लोग तो चाहते ही हैं कि भाई जल्द से जल्द ठीक हो, लेकिन ये तो अच्छे लक्षण दिख रहे हैं कि भाई जब वो पार्लियामेंट जा रहे हैं तो अब खुशखबरी हो सकता है बिहार के लोगों के लिए कि जल्द से जल्द बिहार भी आएंगे। हालांकि डॉक्टर अपनी राय देंगे, जो डॉक्टर कहेंगे वही होगा, हालांकि ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द वो रिकवर कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है करोड़ों लोगों की दुआ होगी, लोग उनको याद करेंगे तो ज़रूर ठीक जल्द से जल्द होकर के लोग। पिछड़े हुआ कि पिछड़े, ये बेवकूफ़ नहीं है, इनको साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी आरएसएस का डिज़ाइन क्या है। ये तो आरक्षण विरोधी सीएजी की रिपोर्ट आई है, सिर्फ तीन, इसके लिए अलग से तीन अलग अलग किताबें हैं भाई जी। और आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि कितने पेज का एक किताब है, तो इसके लिए अलग से एक विषय रखा जाएगा, हम लोग पहले स्टडी कर ले, क्योंकि हम लोग हवा हवा वाली बात ही नहीं ना करते, हवा हवाई वाली जो आज चल रहा था सदन में दमाद की तरह समझे, तो ऐसा दमाद कौन रहना चाहेगा, हम तो पूछते हैं आप लोग रहना चाहिएगा क्या, दमाद जैसा खातिरदारी होगा क्वारंटाइन सेंटर में क्या हुआ वो तो सबने देखा। तो ये हवा हवाई बात करने वाले हम लोग नहीं, हम लोग कुछ भी आते हैं ऑथेंटिक बात करें, जो सच्चाई है जमीन की बात करें।